गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं आपको अच्छे से स्टार्टिंग से हिंदी सिखाने के लिए वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो हमारे यहाँ की वेब सीरीज़ मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, बट उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो मेरा यही पर्पस है कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, हिंदुस्तानी हो या बाहर का हो, स्टार्टिंग से उसे मैं हिंदी सिखाऊं, ताकि वो जो बेसिक हिंदी है कम से कम उतना तो सीख ही जाए। तो कल मैंने सारे अक्षर बताए थे, आज मैं जितने स्वर हैं उनसे शुरू होने वाले एक एक शब्द का एग्जाम्पल दे लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ से अनल, अनल मतलब फायर, आग। आ से आम, आम मतलब मैंगो, एक फ्रूट। इ से इमली, इमली मतलब टैमरिंड, जो हम लोग कुछ भी खाने पीने की चीज़ को खट्टा करने के लिए टैमरिंड का यूज़ करते हैं, स्पेशली सांबर वगैरह में। ई से ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल, जैसे कि एलपीजी गैस है या पेट्रोल है। उ से उल्लू यानि कि आउल। ऊ से ऊन यानि कि वूल, जिससे कि हम लोग गर्म कपड़े बनाते हैं। रि से ऋतु, ऋतु मतलब सीजन्स, समर सीजन, विंटर सीजन। ए से एक, एक यानि वन। आई से ऐनक, ऐनक मतलब स्पेक्टिकल्स या फिर गॉगल्स। ओ से ओम, ओम जो ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग ध्यान लगाते समय। आओ से औरत यानि कि वुमेन, लेडी। अंग से अंगूर यानि कि ग्रेप्स। आह खाली, आह खाली का मतलब इससे कोई शब्द नहीं बनता, ये जो है अयोग वह कहते हैं इसको, इससे स्टार्टिंग में कोई शब्द नहीं बनता, मतलब बिगनिंग में ये नहीं आता है। जो इसकी ये दो डॉट्स हैं उसको हम लोग वर्ड्स के एंड में यूज़ करते हैं तो उसका साउंड आता है, जैसे कि प्रातः, छः, अतः, इस तरह से। इसकी जो ये मात्रा है, जो दो बिंदी हैं, ये मात्रा के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हिंदी सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, आप अपने घर पर इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में जो बाकी के व्यंजन हैं उनसे शब्द बनाकर मैं आपको सिखाऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।